आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं इस मशीन से स्प्लाइस कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमने 10-10 किलोमीटर के दो स्पूल लिए हैं। तो सबसे पहले फाइबर में हम स्लीव डालेंगे। स्लीव इसलिए स्प्लाइस करने से पहले डाली जाती है क्योंकि फाइबर जुड़ने के बाद अगर आप स्लीव डालेंगे तो वो डल नहीं पाएगी, आपको फाइबर तोड़नी पड़ेगी। स्लीव डालने के बाद अब हम फाइबर को स्ट्रिप करेंगे, स्ट्रिपर से छीलेंगे। स्ट्रिप करने के बाद फाइबर को हम अल्कोहल से क्लीन करेंगे। तो हम टिश्यू पेपर को अल्कोहल में डिप करते हैं या टिश्यू पेपर पर अल्कोहल लगाते हैं, उसके बाद उस फाइबर को हम लोग साफ़ करते हैं ताकि उसके ऊपर जो डस्ट हो या पेट्रोलियम जेली हो वो उस पे से साफ़ हो जाए और मशीन के अंदर इसमें से कुछ भी ना जाए। फाइबर स्ट्रिप करने के बाद हम फाइबर को क्लीवर में रख के क्लीव करते हैं। फाइबर को क्लीवर में रख के क्लीव करने का पर्पस ये होता है कि फाइबर को 90 डिग्री एंगल पे काटना पड़ता है ताकि वो दो फाइबर जब 90 डिग्री एंगल में कटेंगी तो आसानी से जुड़ेंगी। क्लीवर में जब फाइबर रखते हैं तो फाइबर को क्लीवर के जो फाइबर ट्रे है उसमें रखा जाता है और इस तरीके से रखा जाता है कि फाइबर ब्लेड के पार जो दूसरा रबड़ का पैड है वहाँ तक जाए। तो फाइबर को क्लीव करने के बाद हम फाइबर को स्लाइसिंग मशीन के फाइबर होल्डर में रखते हैं। पहले हम फाइबर का मशीन का कवर खोलेंगे, विंड कवर, उसके बाद होल्डर में फाइबर को रखेंगे। हमने एक तरफ फाइबर का स्पूल 10 किलोमीटर का स्ट्रिप करके क्लीव करके रख दिए फाइबर। अब ये दूसरी तरफ हम लोग फाइबर रख रहे हैं। ये फाइबर इस तरीके से रखी जाती है कि इलेक्ट्रोड से थोड़ा सा पीछे होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड के पास नहीं पहुँचनी चाहिए। दोनों फाइबर इस तरीके से रखी जाए कि इलेक्ट्रोड से 1 या 2 mm पीछे हों। फाइबर रखने के बाद हम लोग मशीन का विंड कवर का ढक्कन बंद करेंगे। बंद करने के बाद मशीन फाइबर को अलाइनमेंट शुरू करेगी और फाइबर अपने पोजीशन पे आ जाएगी। प्री स्प्लाइस पोजीशन कहते हैं उसको, स्प्लाइस होने से पहले, ताकि आप देख सकें कि फाइबर ठीक से कटिंग हुई है कि नहीं हुई है, अलाइन हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। साथ में इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको बीच में एक लाइन दिख रही है और उसके ऊपर एक कोटिंग है। तो ये लाइन है जिसको कहते हैं कोर, और बाहर जो दिख रहा है उसके व्हाइट पोर्शन उसको कहते हैं क्लैड। जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको इसमें लेफ्ट राइट, ये कटिंग एंगल्स हैं। कितने मशीन जो है ये फाइबर ऑटो डिटेक्ट मोड पे काम करती है, इसमें जो फाइबर रखी होती है वो आप फाइबर अपने आप ये मशीन डिटेक्ट करके आपको बता देती है। ऊपर आप में देखेंगे तो SM लिखा हुआ है, यानी कि सिंगल मोड सिंगल मोड। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ फाइबर जो पड़ी है वो सिंगल मोड फाइबर है। अगर हम मल्टी मोड डालेंगे तो ये मल्टी मोड डिटेक्ट करेगी, अगर हम NZ डालेंगे तो NZ डिटेक्ट करेगी। तो जिस टाइप की फाइबर होगी ये मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है, उसका कटिंग एंगल डिटेक्ट करेगी। उसकी कोर आप देख सकते हैं, 6 मोटर कोर अलाइनमेंट मशीन है। इसको अब हम स्प्लाइस करेंगे, उसके लिए स्प्लाइस का बटन प्रेस किया। ये मशीन में आर्किंग करने के बाद उसको ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद जो आप रीडिंग देख रहे हैं ये मशीन का स्प्लाइस के रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट में आप देखेंगे कि लास्ट में लॉस 0.01 dB, विच इज़ तो हमने स्प्लाइस करने के बाद OTDR पे हमने ये ट्रेस के लिए लगाया है फाइबर का, स्पूल का एक एंड। अभी OTDR ट्रेस कर रही है, फाइबर शॉट की OTDR है, हाईली एक्यूरेट, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। 32 dB फाइबर शॉट मिनी OTDR, FLM इसके अंदर इनबिल्ट है। मैं आप पूरा देख सकते हैं कहाँ स्प्लिटर लगा है, कहाँ आपका कपलर है, वो आपको इसमें नज़र आ जाता है। अप टू 80 किलोमीटर तक ये ट्रेस करती है और रिजल्ट्स देती है, 32 dB OTDR। तो ये हमारा ट्रेस कंप्लीट हो गया है एंड एज यू कैन सी रिजल्ट में स्प्लाइस जहाँ हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा। OTDR कोई भी OTDR होती है, 0.01 dB से लॉस अगर नीचे होता है तो वो लॉस को दिखाती नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट काउंटेड एज लॉस, वैलिड लॉस। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 किलोमीटर ये फाइबर दिखा रही है लेंथ, यानी कि 10 किलोमीटर का हमारा एक स्पूल है, 10 + 10 20 किलोमीटर सिंगल लेंथ दिखा रही है। हमारा लॉस मशीन ने बिल्कुल भी इतना नेग्लिजिबल लॉस दिया है जॉइंट के अंदर कि वो लॉस नज़र भी नहीं आ रहा है। तो इट हैज़ बीन अ गुड स्प्लाइस। अब हम इसको आगे प्रोग्रेस करते हैं और स्लीव को हीट करते हैं मशीन में। तो फाइबर को हम हीटर में रख रहे हैं, स्लीव को स्प्लाइस पे ला के फाइबर को हीटर में रखते हैं। हीटर बंद होने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है इस मशीन में और ये फाइबर अब हीट हो रही है। हीटिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 12 सेकेंड है, जो कि एडजस्टेबल है, हम उसको कम भी कर सकते हैं थोड़ा और ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्लीव की लेंथ के हिसाब से एडजस्ट होता है। फाइबर हीट हो चुकी है, स्लीव को बाहर निकाल के हमने ठंडा होने के लिए कूलिंग ट्रे में रख दिया। तो ये हमारा फाइबर स्प्लाइसिंग का प्रोसेस यहाँ कम्प्लीट हो जाता है।